हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में नर्सें अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर निकल आईं। नर्सों का कहना है कि हमें सेहत की देखभाल के एक बेहतर निज़ाम की ज़रूरत है। हम बेहतर निगहदाश्त फराहम कर सकते हैं जब हमारे पास अमला बेहतर हो। टोरंटो समेत जनूबी ऑन्टेरियो में खतरनाक तूफान की आमद। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से वार्निंग जारी कर दी गई। शहर में 25 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान। कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट का इंतखाबात में गैर मुल्की मदाखलत की अवामी इंक्वायरी के लिए वोट। कैनेडियन इंटेलिजेंस हुकाम प्रोसीजर और हाउस अफेयर्स कमेटी में गवाही। इंटेलिजेंस हुकाम का कहना है कि इंतखाबात में मदाखलत की कोशिशों के बावजूद सालमियत को बरकरार रखा गया। यूक्रेन जंग के बाद अमरीकी और रूसी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान पहली मुलाकात। अमरीका का रूस से यूक्रेन में जंग बंद करने का मुतालबा। भारत के लिए आलमी सतह पर एक और शर्मिंदगी। G20 इजलास बुरी तरह नाकाम। अमेरिका की ताइवान को F-16 तैयारों के मिसाइलों की फरोख्त की मंजूरी। चीन की ताइवान को अमेरिका की जानिब से असलहे की फरोख्त की सख्त मुखालफत। चीनी हुकाम का कहना है कि अमेरिका को ताइवान को हथियारों की फरोख्त और फौजी राबता बंद करना चाहिए। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की सैकड़ों नर्सों ने टोरंटो में ज्यादा उजरत, अस्पताल के अमले में इजाफा, काम के हालात को बेहतर बनाने और एक बेहतर मुहैदे के मुतालबे के लिए रैली निकाली और मार्च किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा में नर्सें अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर निकल आईं। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की सैकड़ों नर्सों ने टोरंटो में ज़्यादा उजरत, अस्पताल के अमले में इजाफा, काम के हालात को बेहतर बनाने और एक बेहतर मुहैदे के मुतालबे के लिए रैली निकाली और मार्च किया। ऑन्टेरियो नर्सेज एसोसिएशन के मेम्बरान सड़कों पर निकल आए क्योंकि ऑन्टेरियो हॉस्पिटल एसोसिएशन के साथ सालसी जारी है। नर्सें टोरंटो के मरकज में वाक़ शेरेटन सेंटर होटल में जमा हुई, जिसके बाद उन्होंने क्वींस पार्क के मुकाबले हॉस्पिटल रू की जानिब मार्च किया। मुजाहरे में शरीक नर्सों का कहना था कि हमें सेहत की देखभाल का एक बेहतर निज़ाम, बेहतर अमला, बेहतर उजरत की ज़रूरत है। हम बेहतर निगहदाश्त फराहम कर सकते हैं जब हमारे पास अमला बेहतर हो। ये वही है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। नर्सों की यूनियन ने जनवरी के आखिर में अस्पतालों के साथ सौदेबाजी शुरू कर दी थी और अगर सालिसी के जरिए कोई मुहायदा नहीं हुआ तो ये मई के शुरू में सालिस के पास जाएगी। ONA 68,000 रजिस्टर्ड नर्सों और 18,000 नर्सिंग तुलबा से वाबस्ता अफराद की नुमाइंदगी करती है। OHA 140 सरकारी अस्पतालों की नुमाइंदगी करती है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में मौसम सरमा के तूफान की वार्निंग जारी की गई है। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि तूफान जुमे की रात शहर से टकराएगा और हफ्ते की सुबह तक जारी रहेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में मौसम सरमा के तूफान की वार्निंग जारी की गई है। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि तूफान जुमे की रात शहर से टकराएगा और हफ्ते की सुबह तक जारी रहेगा।
जिसमें 15 से 25 सेंटीमीटर तक बर्फबारी मुतवक्के है। शहर में फी घंटा 4 सेंटीमीटर बर्फबारी की तवक्को है, जिससे खतरनाक सफरी हालात पैदा हो सकते हैं। वफाकी मौसमियाती एजेंसी ने कहा है कि शहरी तेजी से बदलते हुए और बिगड़ते सफरी हालात के लिए तैयारी करें। शदीद बर्फबारी और उड़ती हुई बर्फ में बाज़ औकात हद निगाह अचानक सिफर के करीब कम हो जाएगी। सिटी ऑफ टोरंटो जुमे को शाम 7 बजे 3 वार्मिंग सेंटर खोलेगा, यानी स्कारब्रो सिविक सेंटर, मिचल फील्ड कम्युनिटी सेंटर और सेसल कम्युनिटी सेंटर। शहरी हुकाम का कहना है कि मेट्रो हॉल में शहर का 4th वार्मिंग सेंटर फिलहाल खुला है और दिन के वक्त ड्रॉप इन प्रोग्राम दस्तियाब है। हुकाम ने मजीद कहा कि मौसम जुमे की शाम के सफर पर नुमाया असर डाल सकता है। एक्सप्रेसवे, पुलों, खड़ी पहाड़ियों और तरजीही चौराहों पर माया नमकीन पानी का छिड़काव किया जाएगा, जबकि शदीद बर्फबारी के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मौसमियात के माहिरीन ने पेशनगोई की थी कि अब तक का हल्का मौसम तूफानों के साथ ख़त्म हो सकता है और अप्रैल के शुरू तक ठंडा दर्जा हरारत बरकरार रहेगा। कनाडा के हिज़्बे इख्तलाफ़ के अरकान पार्लियामेंट ने इंतखाबात में गैर मुल्की मदाखलत की अवामी तहकीकात के लिए वोट दिया। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के हिज़्बे इख्तलाफ़ के अरकान पार्लियामेंट ने गैर मुल्की इंतखाबात में मदाखलत की अवामी तहकीकात के लिए वोट दिया। आला इंटेलिजेंस हुकाम की कई घंटों की गवाही सुनने के बाद, जिन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि कनाडा के गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में मदाखलत की कोशिशों के बावजूद सालमियत को बरकरार रखा गया। कनाडा के हिज़्बे इख्तलाफ़ के अरकान पार्लियामेंट ने जुमेरात को एक तहरीक मंजूर की, जिसमें वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो गैर मुल्की मदाखलत के इल्ज़ाम की कौमी अवामी इंक्वायरी शुरू करे। प्रोसीजर और हाउस अफेयर्स कमेटी के 2 इजलासों पर मुहित बहस के बाद लिबरल एमपीज के खिलाफ वोट देने के साथ 5-6 के वोटों से ओपोजिशन जमातों ने एनडीपी की तहरीक के हक में वोट दिया, जिसमें वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से इंक्वायरी करने का मुतालबा किया गया। हिज़्बे इख्तलाफ़ के अरकान पार्लियामेंट चाहते हैं कि ये इंक्वायरी जहां सबूत ले जाए वहीं जाए, मुतालिका कौमी सलामती के दस्तावेजात को मजबूर करने और हुकूमती और सियासी जमातों की अहम शख्सियात को गवाही के लिए बुलाने का इख्तियार हासिल हो। इसमें वज़रा, आला अमला और 2021 और 2019 की इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी जमातों के लिए कौमी मुहिम के डायरेक्टर शामिल हो सकते हैं। वाज़ह रहे कि गुज़िश्ता 2 वफाकी इंतखाबात में मुबैना चीनी मदाखलत की रिपोर्ट्स के बाद कनाडा के एक आला तरीन इंटेलिजेंस अहलकार ने अरकान पार्लियामेंट को बताया कि अगरचे गैर मुल्की मदाखलत के बारे में कैनेडियन के खदशात काबिल फहम हैं, लेकिन उन्हें यकीन दिलाया जाना चाहिए कि गुज़िश्ता 2 वफाकी इंतखाबात मुनसिफाना और जायज़ थे। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की कौमी सलामती और इंटेलिजेंस मुशीर जोडी थॉम्स ने गैर मुल्की इंतखाबी मदाखलत का मुताला करने वाली प्रोसीजर एंड हाउस अफेयर्स कमेटी के सामने अपनी गवाही के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि जबकि मुख्तलिफ वफाकी एजेंसियों को गैर मुल्की मदाखलत का पता लगाने, रोकने और उनका मुकाबला करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ने तस्लीम किया है कि गैर मुल्की मदाखलत की कोशिश की गई है। हुकूमत कनाडा के इदारों को मजबूत बनाने और जिम्मेदारों को नतायज का सामना करने को यकीनी बनाने के लिए ठोस इकदाम कर रही है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने रूस से यूक्रेन जंग रोकने का मुतालबा करते हुए कहा है कि जब तक यूक्रेन का दिफा करना पड़ा करेंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने रूस से यूक्रेन जंग रोकने का मुतालबा करते हुए कहा है कि जब तक यूक्रेन का दिफा करना पड़ा करेंगे। नई दिल्ली में रूसी हम मनसब सरगे लारोव से अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने G20 इजलास की साइडलाइन पर मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमले के 1 साल बाद अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन और उनके रूसी हम मनसब सरगे लारोव के दरमियान भारतीय दारुलहकूमत नई दिल्ली में G20 समिट के मौके पर पहली मर्तबा मुलाकात हुई और दोनों रहनुमाओं के दरमियान 10 मिनट तक बातचीत हुई। 10 मिनट तवील इस मुलाकात एंटोनी ब्लिंकन ने वाज़ह किया कि रूस न्यू स्टार्ट माहिदा मुअत्तल करने पर नज़रसानी करे और रूस में कैद अमरीकी शहरी को रिहाई दी जाए। न्यू स्टार्ट माहिदा मनसूख करना गैर जिम्मेदाराना अमल है, बाहमी तामील दोनों ममालिक के मफाद में है। अमरीकी वजीर खारजा ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुलाकात के दौरान मैंने रूसी हम मनसब से वही कहा जो गुज़िश्ता हफ्ते हमने और दीगर कई ममालिक ने अक़वामे मुत्तहिदा के इजलास के दौरान कहा था या जो कुछ G20 समिट में शरीक वज़ीर खारजा उनसे कह रहे हैं कि यूक्रेन में जारी जंग को ख़त्म करें,
क्योंकि बामकसद सिफारतकारी के जरिए ही देर पा अमन का क्याम मुमकिन है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ब्लिंकन ने कहा कि वाशिंगटन जंग के खात्मे के लिए सिफारतकारी के जरिए यूक्रेन की हिमायत करने के लिए तैयार है, लेकिन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की इस हवाले से दिलचस्पी सिफर है। ब्लिंकन ने न्यू स्टार्ट माहदे से मुतालिक कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में या हमारे ताल्लुकात में कुछ भी हो रहा है। अमरीका हमेशा स्ट्रेटेजिक हथियारों के कंट्रोल पर अमल करने के लिए तैयार रहेगा। ख्याल रहे कि रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात की तस्दीक की है, लेकिन मुलाकात की तफसील बताने से गुरेज किया है। दूसरी जानिब भारत को आलमी सतह पर एक और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दुनिया के 19 अमीर तरीन ममालिक और यूरोपीय यूनियन पर मुश्तमिल ग्रुप G20 के वज़रा खारजा का नई दिल्ली में मुनक़िद इजलास बुरी तरह नाकाम हो गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 इजलास को अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल करना चाहा, ताहम अमरीकी और रूसी वज़रा खारजा के सर महर रवैये के बायस उन्हें नाकामी हुई। इजलास में शरीक मुतादिद वज़रा खारजा ने नई दिल्ली में बैठकर रूस और यूक्रेन जंग के मामले पर दोहरी पॉलिसी अपनाने वाले भारत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इजलास में रूस, अमरीका और चीन के वज़रा खारजा ने शिरकत की। मोदी सरकार की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद G20 वज़रा खारजा के इजलास का एलानिया जारी ना हो सका और इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। अमरीकी इंतजामिया ने ताइवान को F-16 तैयारों के मिसाइलों की फरोख की मंजूरी दे दी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ताइवान को मुमकिन असलाह फरोख का मकसद उसके दिफा की सलाहियत को बढ़ाना है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी इंतजामिया ने ताइवान को F-16 तैयारों के मिसाइलों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि ताइवान के लिए अमरीकी हथियारों की फरोख्त के नए पैकेज की मुखालफत करते हैं। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका को ताइवान को हथियारों की फरोख्त और फौजी राबता बंद करना चाहिए। चीनी वजारत कौमी दिफा के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि चीन के ताइवान के इलाके को अमरीका की जानिब से असलहे की फरोख्त चीन के अंदरूनी मामलों में मदाखलत है और एक चीन के उसूल और चीन अमरीका 3 मुश्तरका एलामियों बिलखसूस 17 अगस्त के एलामिया के मुतालिका जवाबित की संगीन खिलाफ वर्जी है, जिसकी चीन सख्त मुखालफत करता है। तर्जुमान ने कहा कि चीन अमरीका से मुतालबा करता है कि वो ताइवान को हथियारों की फरोख, ताइवान के साथ फौजी रवाबित और चीन के ताइवान के मामले में मदाखलत बंद करें। उन्होंने कहा कि चीन की पीपल्स लिब्रेशन आर्मी हमेशा हाई अलर्ट होते हुए तमाम अलहदगी पसंद इश्तियाल अंगेजियों और बैरूनी मदाखलत का मुकाबला करने और मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिफाजत के लिए तैयार है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ताइवान को तकरीबन $619 मिलियन मालियत के असलाह फरोख्त की मंजूरी दी गई है। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि ताइवान को असलाह फरोख्त की मंजूरी के बारे में कांग्रेस को मुतला कर दिया गया है। मुमकिन फरोख ताइवान रिलेशन एक्ट देरीना वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक है। हुकाम का कहना है कि ताइवान को मुमकिन असलाह फरोख करने का मकसद उसके दिफा की सलाहियत को बढ़ाना है। ताइवान के लिए अमरीकी इकदाम खित्ते आबनाए ताइवान में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।